दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोकसभा में पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण दिया, तो दोस्तों जो लोग उसमें सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो चौंकाने वाली है। वो क्या है चौंकाने वाली कि राहुल गांधी के भाषण को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। कितने इलाकों ने, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, शायद 26 लाख ने, यानी लाखों में उनका भाषण देखा गया। और ये संख्या उनके भाषण को देखने वाले नागरिकों की या देशवासियों की या देश विदेश में ये संख्या रात दिन तेजी से लाखों के हिसाब से बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी, और उसका वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी जो लोकसभा में बोले, जो ऑन रिकॉर्ड है कि वो देश की मुख्य समस्याओं को लेकर देश की जनता के सामने आए और लोकसभा में भाजपा सरकार के सामने वो समस्याएं रखी। वो क्या थी, वैसे तो आप सब लोग सुन ही चुके हो। तो वो समस्याएं थी मणिपुर पर, मणिपुर की जो समस्या है, जो वहां पर दंगे हुए हैं, कई मौतें हुई हैं, स्त्रियों के साथ भी गलत हुआ है, उस पर राहुल गांधी बोले। जो नीट का मामला पूरे देश में छाया हुआ है, जिससे लाखों हमारे नौनिहालों का, देश के भविष्य का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट का मुद्दा कि किस तरीके से लगातार देश में एग्जाम से पहले ही पर्चे आउट हो रहे हैं और साल साल भर मेहनत करने वाले स्टूडेंट छात्र, उनकी मेहनत बेकार जाती है, उनका हजारों लाखों रुपया माँ बाप का शिक्षा पर किया जाने वाला खर्चा बेकार जा रहा है और शिक्षा माफिया पेपर आउट करके नाकाबिल उम्मीदवारों को शिक्षा में पास करा रहे हैं और उनसे लाखों वसूल रहे हैं। ये देश के नौजवानों की, छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है और इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलकर बोले। इसके बाद जो देश का बड़ा वर्ग है, किसान मजदूर, उनकी जो समस्याएं हैं, ये जो कमेरा वर्ग है और जो ये अन्नदाता है, इनकी समस्याओं को भी राहुल गांधी ने मजबूती से उठाया। एमएसपी पर बोले, अग्निवीर पर बोले। अग्निवीर पर भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अग्निवीर वाली जो कानून बना है इसको खत्म कर देंगे, पहले की तरह स्थायी जवानों की भर्तियां करेंगे और स्थायी जवानों की भर्ती करेंगे, मणिपुर के मामले को सुलझाएंगे, वहां जो नफरत फैलाई गई है उसका समाधान करेंगे और नीट वाला जो मुद्दा है, शिक्षा माफियाओं को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भविष्य में फिर ऐसी गलती ना कर सकें। बेरोजगारी पर, पिछले 5 सालों में देश में सबसे ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी है, जो आंकड़े बताते हैं आप भी जानते हैं कि इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही।
बेरोजगारी पर भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया और कहा कि हमारी सरकार आने पर हम बेरोजगारी को मुख्य उसमें एजेंडे में रखेंगे और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कांग्रेस की सरकार पूरी ताकत लगा देगी और बेरोजगारी को खत्म करेगी, मिनिमम करेगी। उसके बाद वो आए कि कांग्रेस कभी नफरत की बात नहीं करती, कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, भाजपा नफरत करके समाज को, देश को तोड़ने की बात करती है। लेकिन जैसा कि उनका नज़रिया रहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो पूरे देश में मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति को ख़त्म करने की बात वो करते हैं। ये इतनी सारी बातें हो गई। उन्होंने महंगाई पर भी बोला, अडानी अंबानी की मोनोपोली पर भी बोले। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के सहारे ही देश नहीं चलेगा, कॉरपोरेट भी जरूरी है, छोटे उद्योग भी जरूरी है, लघु उद्योग भी जरूरी है। नोटबंदी के बाद या गलत तरीके से लगाई गई जीएसटी के बाद जो छोटे मंझोले उद्योगों की कमर टूट गई या व्यापारियों की कमर टूटी, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए भी वो काम करेंगे। यानी कांग्रेस की सरकार आने पर जो ये समस्याएं देश के सामने हैं, हम इनको समाधान करेंगे। उनके लोकसभा में दिए गए भाषण का लब्बो लुबाव यही था कि हम देश की समस्याओं को जो हैं उनको समाप्त करेंगे, उनके समाधान के लिए रास्ते निकालेंगे। दोस्तों, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश की समस्याओं को उठाया, उसके मुकाबले में जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, तो उन्होंने मुख्य रूप से जो समस्याएं देश के सामने हैं, जो राहुल गांधी ने उठाई, उनका लगभग जवाब नहीं दिया। और उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, नीट पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, एमएसपी पर भी मतलब देश के अन्नदाताओं किसानों के कोई आश्वासन नहीं दिया, अग्निवीर पर भी, या इसको इस नीति को इस कानून को हटाने के लिए, या अग्निवीर के जो कानून बना है अग्निवीरों की समस्या के समाधान पर भी वो नहीं बोले, बेरोजगारी पर भी बिल्कुल नहीं बोले, अडानी अंबानी पर भी कुछ नहीं बोले। बहुत सारी इधर उधर की बात मोदी जी करते रहे, कहानियां सुनाते रहे, राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहते रहे, और कई कहानियां उन्होंने सुनाई जो देश के मुद्दों या देश की समस्याओं के ऊपर नहीं थी, जो देश की मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान देश को चाहिए, और जिन समस्याओं को राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने रखा और कांग्रेस सरकार आने पर उनके समाधान का वादा किया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्य मुद्दों पर, मुख्य बिंदुओं पर अपने दो ढाई घंटे के भाषण में आए नहीं। ना उन्होंने बेरोजगारों को कोई आश्वासन दिया, अग्निवीरों को कोई आश्वासन नहीं दिया, बेरोजगारों को कोई आश्वासन नहीं दिया, छात्र छात्राओं को जो पेपर आउट होने से लाखों छात्र दुखी हैं, उन पर भी उन्होंने कोई ऐसा बड़ा आश्वासन नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी उस भाषण के बाद जो उन्होंने संसद में दिया, लोकसभा में दिया, नरेंद्र मोदी जी से
लोकप्रियता में बहुत आगे निकल गए हैं। जहां मोदी जी की लोकप्रियता उन आंकड़ों के अनुसार, सोशल मीडिया पर जो आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार हजारों में हैं, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता लाखों में है। तो ये क्या समय का चक्र घूम रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी पहले वाली चमक खो रहे हैं? सवाल तो ये भी था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के पहले बोलने पर जो 10 साल गुजरे, जब वो संसद में बोलते थे, लोकसभा में बोलते थे, तो भाजपा समर्थक तालियों की गड़गड़ाहट करते थे, मेजें थपथपाते थे, उनको जबरदस्त समर्थन देते थे। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं दिखा। जबकि मोदी जी के भाषण के दौरान इंडिया समर्थक, इंडिया गठबंधन के सांसद नरेंद्र मोदी जी की लगातार हुटिंग करते रहे, उनके नारे उनके खिलाफ नारे लगाते रहे, भाजपा की नीतियों के खिलाफ नारे लगाते रहे, भाजपा के सरकार के कामों के खिलाफ नारे लगाते रहे, तो दोस्तों ये हमारा निजी कोई विचार नहीं है। हम तो सिर्फ आपको वो बता रहे हैं जो लोकसभा में देखा गया, लोगों ने सुना, लाखों लोगों ने सुना। उनको राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा, देश के नौजवानों को राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा, देश के 100 करोड़ों लोगों को यदि राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा और उनको लगा कि इन्होंने जनता की नब्ज पहचानी है और देश की समस्याओं को बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया है, जबकि नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं पर, जो देश की मुख्य समस्याएं हैं, उन पर लीपापोती करते नजर आए या उनसे दूर भागते दिखाई दिए और उन्होंने प्रमुखता से उन समस्याओं को नहीं छुआ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये किस बात का संकेत है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन दोस्तों ये जरूर लग रहा है कि देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। बेशक इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और वो जिस मजबूती से मुद्दों को, देश के मुद्दों को, देश की जनता के मुद्दों को उठा रहा है, ऐसा पिछले 10 सालों में लगभग हो न सका। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष, या नेता तो प्रतिपक्ष थे ही नहीं, जो प्रमुख नेता होते थे विपक्षी दलों को, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। इस बार ऐसा लगभग नहीं हो पा रहा है और विपक्ष के नेता धड़ाके से, धूम धड़ाके से ठकाठक अपना भाषण दे रहे हैं और देश की जनता का दिल जीत रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।